देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कह रहे हैं, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, कोई टैंक है जो इसका रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप और ऊपर से खुला हुआ है वो, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो डैट इज डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ द कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर साइड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कोई रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगुलर जिसका बेस है, जिसमें हमें दे रखा है इसका वॉल्यूम जो है वो है 2 मीटर क्यूब और डेप्थ मतलब इसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम है इसका कितना, 8 मीटर क्यूब है सॉरी, और डेप्थ इसकी 2 है। तो हमें इसको बनवाने का खर्च बताना है। इफ़ द बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग ये कह रहे हैं कि अगर बिल्डिंग ऑफ द टैंक ऑफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, और बेस का जो खर्चा है, बेस बनवाने का जो खर्चा बता रखा है इन्होंने वो है ₹70 और साइड बनवाने का जो खर्चा है वो है ₹45। तो आपको कम से कम खर्च आपको इसका बताना है, लीस्ट एक्सपेंसिव आपको कॉस्ट बतानी होगी इसकी क्या होगी। तो देखिए क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, कुल मिला के ये इस टाइप का टैंक होगा, जो यहाँ से कवर्ड है, ये भी आपका बंद है और ये भी बंद है और इधर से भी बंद है, लेकिन ऊपर से ये खुला हुआ है जैसे टैंक होते हैं सिंपल वो। तो अब देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से खुला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें लेट करना होगा, लेट लेंथ को मैं एक्स मानूंगा, विड्थ को मैं वाई मानूंगा और हाइट तो हमें दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम जो है क्या होगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में है, तो एल इंटू बी इंटू एच आप लिखोगे, जिसको आपको लिखना होगा कितना वॉल्यूम दे रखा है हमें कितना 8। तो एल बी एच इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इंटू एच है 2 इक्वल टू 8। तो एक्स वाई इक्वल टू 8/2, आप सॉल्व कर दीजिए इसको, एक्स वाई की वैल्यू आएगी 4, तो आप वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/x। इट विल बी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए आप ये कहेंगे क्योंकि इसको बनवाने का जो खर्च है, तो बनवाना जब इसे है, तो देखिए क्यूबॉइड शेप में है और इसकी एक साइड ओपन है, तो इसके लिए सरफेस एरिया इसका क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ टैंक ऐसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो वन साइड ओपन हो, तो वो होता है आपका 2l+b h+lb। ठीक है, जिसे आप लिख सकते हो कितना, 2x+y इंटू 2+x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बेस है और ये साइड है, फोर वॉल, ये फोर वॉल है, टूट जाए ये हो जाएगा 4x+y+xy। ठीक है, तो हमें लीस्ट कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट इसकी, टोटल कॉस्ट इसे हम सी कह रहे हैं, टोटल कॉस्ट होगी देखिए इसका जो खर्चा है ये बता रखा है 45 है, ये साइड है, साइड को बनवाने का खर्च ही है, तो 45 × 4x+y और ये है बेस, एक्स और वाई लेंथ इंटू विड्थ, ये बेस है जिसका खर्चा है ₹70, इसे बनवाने का खर्च ये है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 180x+y+70xy। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, सी इक्वल टू 180x, वाई की जगह आप लिख दीजिए 4 × 1/x, वाई की वैल्यू 4/x पुट अप कर दी आपने, यहाँ भी 70x और ये 4/x, एक्स से एक्स को कैंसिल कर दीजिए, तो सी इज इक्वल टू 180x+, मतलब जो आपने यहाँ पे कितना 4/x पुट अप किया था एक्स की, वाई की वैल्यू को यूजिंग फर्स्ट,
तो इट बिकम्स 1/x, और ये हो जाएगा आपका कितना, 280। इसे आप कितना लिखेंगे, 280। तो देखिए कॉस्ट आपको मिल चुकी है, इसे डिफेंसिएशन कर दीजिए इसका, डिफेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट DC/dx 180, एक्स का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x² और इट बिकम्स 0। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, इसे सीधा हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे ज़रा आप इतना, फोर मैक्स एंड मिनिमा। देखिए मैक्स मिनिमा के लिए आप इसे 0 के बराबर रख दीजिए, DC/dx विल बी इक्वल टू 0, तो 180, 1 - 4/x² इक्वल टू 0, 0 की तरफ चला जाएगा, 0 होगा, 4/x² दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए इसको आप, x² की वैल्यू आपकी 4, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने एक्स की वैल्यू केवल 2 ही लेनी है जो पॉजिटिव होगी। अब ये हमारे पास आ चुका है, एक साइड आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इससे अब हम इसकी कॉस्ट को इजीली बता सकते हैं, देखिए कॉस्ट को कैसे बताएं, तो देखिए ये जो है मेरे पास, इसे मैं इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहूँगा। अब एक्स की वैल्यू 2 इसमें पुट अप कर देंगे आप, तो देखिए कॉस इज इक्वल टू 180 एक्स प्लस 4 1/2 प्लस 280, 180 ये कैंसिल कर दीजिए 2, और एक्स की जगह भी आपको 2 ही पुट करना था, 2 2 4 हो जाएगा प्लस 280, 720 प्लस 280 कॉस्ट आ जाएगी 1000 रुपये। ठीक है, कॉस्ट कितनी होगी, 1000 रुपये। फिर इसे आप अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, D²C/dx² निकालेंगे, जिसे आपने दिखा देना है पॉजिटिव, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये मिनिमा होगा, तो ये आपको यही आंसर लाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा 9 क्वेश्चन था, अब हम 10 क्वेश्चन समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 10, वो लिख लीजिए आप इसको, तो देखिए 10 क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहे हैं द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, ये सर्कल और ये स्क्वायर, इसके पेरीमीटर का सम जो है वो हमें दे रखा है के। सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम हमें के गिवन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि कोई कांस्टेंट है। कह रहे हैं प्रूव डैट देयर एरिया इज एटलीस्ट, इनका एरिया एटलीस्ट होगा व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब साइड जो है स्क्वायर की, तो इसकी साइड को मैंने एक्स माना है, इसकी रेडियस को आर माना है, जब साइड जो है रेडियस के डबल के बराबर होगी। समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये कह रहे हैं कि एक सर्कल एक स्क्वायर, इनके पेरीमीटर का सम के है, तो इनका एरिया मिनिमम होगा, एटलीस्ट होगा उस सिचुएशन में जब स्क्वायर की साइड जो है रेडियस के 2 टाइम्स के बराबर होगी, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए देखिए लेट कर लीजिए, लेट आर एंड एक्स बी द रेडियस, एंड आर जो है रेडियस है, आर एंड एक्स बी द रेडियस एंड
radius and side of circle and square. Then तो जरा हम ये समझते हैं कि ये मैंने रेडियस और ये मान ली है साइड. तो इसके बाद देखिए जरा हमें ये करना होगा. ठीक है, तो ये आपने देखा. अब इसके बाद इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है. पेरीमीटर टोटल पेरीमीटर जो है वो के है. और पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड्स. ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर ये है इक्वल टू एक्स. तो यहाँ एक्स की या फिर आर की किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए. एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म में. तो इसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर रहा हूँ 2 पाई आर. एक्स इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4. 4 को हमने अपॉन में शिफ्ट कर दिया. ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे. डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओ सॉरी, पहले देखिए ये तो हमने x निकाला. टोटल एरिया जरा निकालिए. टोटल एरिया दोनों का कंबाइनिंग एरिया. तो a इज इक्वल टू सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. भाई साइड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं के माइनस 2 पाई आर बाई 4 और इसका स्क्वायर. तो ये आप लिख देंगे. तो देखिए इट विल बी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/16 के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर. इसे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए. डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर. तो dA by dr ये हो जाएगा. देखिए कितना पावर को पहले लेकर आइए. पावर पहले पर से एक माइनस 1/16 पावर पहले लेकर आएंगे हम. डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं k माइनस 2 पाई आर. ठीक है, पावर को पहले लेकर आए, पावर से एक माइनस, k का डेरिवेटिव 0 और ये 2 पाई r का 1. तो आप इससे कैंसिल करेंगे, 8 से कटेगा, फिर इससे भी कैंसिल कर दीजिए 4 से कटेगा. तो dA by dr की वैल्यू हमें मिलेगी कितना, 2 पाई r माइनस पाई बाई 4 के माइनस 2 पाई r. ठीक है, तो अब आपने इसको 0 के बराबर रख दीजिए. 4 मैक्सा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो dA by dr इक्वल टू 0, 2 पाई r माइनस पाई बाई 4 के माइनस 2 पाई आर इक्वल टू 0. उधर शिफ्ट करेंगे 2 पाई आर इक्वल टू पाई बाई 4 के माइनस पाई 2 पाई बाई 4 ये लिखेंगे. तो इसको लिखना है कितना, 4 टू 8 पाई आर इक्वल टू पाई के माइनस 2 पाई आर. ये पाई से पाई को कैंसिल किया जा सकता है. तो आप लिख देंगे कितना, 8R इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर. तो आपने 8R की वैल्यू ये लिखी. और यहाँ से मैं कहूँ अगर आप 2 पाई आर की वैल्यू निकालें तो बेटर होगा. 2 पाई आर विल बी इक्वल टू के माइनस 8R. ठीक है, ये वैल्यू जो है आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो देखिए मैं इस इक्वेशन में पुट अप कर रहा हूँ इसको. 2 पाई आर हमें दे रखा है, 2 पाई आर की वैल्यू भी आ चुकी है. तो एक्स इज इक्वल टू के माइनस, तो इसकी जगह हम कितना ये लिखेंगे, के माइनस 8R अपॉन 4. ठीक है, तो आपने देखा, मैंने देखे 2 पाई आर की वैल्यू के माइनस 8R लिखी. के से के को कैंसिल कर सकते हो. x की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइंस प्लस 8R बाई 4. इससे कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू 2R होगी. x की वैल्यू कितनी होगी, 2R. तो यही वैल्यू हमने, यही प्रूफ करना था कि भाई साइड जो है स्क्वायर की वो 2 टाइम्स है रेडियस के. तो ये आप कर लेंगे. और एक स्टेप दिखा देना. अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
दोबारा अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे किसको, इसको डी स्क्वायर ए वाई डी आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई और पाई बाई 4 एज इट इज़, के का 0 2 पाई, आर का डेरिवेटिव 1 हो चुका है, तो डी स्क्वायर ए वाई डी आर स्क्वायर 2 पाई माइनस माइनस प्लस 2 से कट जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाई 2 जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आप इसे कह सकते हैं कि मिनिमा होगा, यही हमने प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो मिनिमम भी हमने प्रूफ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसके बाद अभी जो हम 11 करेंगे वो भी। तो देखिए मैं मिटा देता हूँ इसको, रख कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 11 है, ये कह रहे हैं अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई विंडो है जो रेक्टेंगुलर टाइप में है और इसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग सिस्टम लगा हुआ है कि भाई ऊपर से भी इसको खोला जा सकता है, जो भी कि सेमी सर्कुलर टाइप में है ऐसे। तो मान लीजिए देखिए मैं इसको r मान लेता हूँ, इसकी लेंथ 2r हो जाएगी, ठीक है, और ये है आपका x, विड्थ को x, लेट लेंथ हो गई इसकी 2r, विड्थ को मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये 2r, ये तो पता है आपको, ये x, मैं कहूँ कि इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, देखिए क्वेश्चन समझेंगे कि कोई विंडो जो है रेक्टेंगुलर है और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर सिस्टम लगा हुआ है, इसका मतलब इस विंडो को हम ओपन क्लोज कर सकते होंगे इस टाइप में कुछ। तो फिर मुझे ये बताना है कि जब ये पूरी ओपन हो तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम लाइट एंटर होगी, तो उस सिचुएशन में हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है कि इसकी डायमेंशन क्या होंगी। तो लेंथ मैंने ये माना है, विड्थ ये माना है, पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10। देखिए मैं कहूँ पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर मतलब ये वाली जो लाइन है ये हमें पता होना चाहिए कितनी, ये वाली लाइन जिसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि यहाँ से तो हम इसको ओपन क्लोज करेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, अगर मैं केवल आधा सेमी सर्कल का पेरीमीटर लूँ तो आप बताएंगे पाई आर, क्योंकि ये पूरा होता है 2 पाई आर, तो हाफ होगा पाई आर। तो मुझे पता है ये पाई, ये 2 आर, ये एक्स और ये वाली लाइन पाई आर, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 आर एक्स प्लस एक्स प्लस पाई आर इक्वल टू 10, ये इसका टोटल पेरीमीटर होगा। तो इसको लिख दीजिए 2r प्लस 2x प्लस पाई आर इक्वल टू 10। यहाँ से x या r किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, r दो बार आ रहा है तो इसे निकालना थोड़ा सा टफ होगा, हम x को निकालेंगे। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन 2, तो ये x की वैल्यू होगी। अब हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ विंडो, तो विंडो का टोटल एरिया जो है वो होगा रेक्टेंगल का एरिया एल इन टू बी प्लस सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ए लेंथ तो हमें पता है कितनी है 2r, विड्थ जो है वो है x प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मुझे x की वैल्यू को पुट अप करना है, बाकी सब वही रहने देना है 2r, क्योंकि पूरी इक्वेशन अगर आपने x की वैल्यू पुट अप कर दी तो r में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
तो x की वैल्यू जो है वो होगी कितना, ये हमें दे रखा है 10 माइनस 2 आर माइनस का पाई आर अपॉन 2 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, तो r की मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 आर माइनस 2 आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में dA बाई डी आर, 10 आर का डेरिवेटिव 1, ये 4r हो जाएगा, ठीक है, 4r माइनस का 2 पाई आर, डिफ्रेंशिएशन किया मैंने, 1 बाई 2, 2 पाई आर हो जाएगा, पाई 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, dA बाई डी आर की वैल्यू होगी 10 माइनस 4r माइनस का पाई आर प्लस पाई आर। तो देखिए ये एज इट इज, इसको हमें 2 पाई आर लिखना था, ठीक है, तो 2 पाई आर में से जरा अगर पाई आर को सब्ट्रैक्ट करोगे डी ए बाई डी आर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 10 माइनस 4 आर माइनस का पाई आर। तो इसे ज़रा आप 0 के बराबर रखेंगे, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, नेसेसरी कंडीशन लगा दीजिए आप मैक्सिमा मिनिमा की, डी ए बाई डी आर को आप 0 के बराबर रखिए, 10 माइनस 4 आर माइनस पाई आर इक्वल टू 0, इनको उधर शिफ्ट करेंगे तो 4 आर प्लस पाई आर इक्वल टू 10, आर कॉमन ले लीजिए तो आप पाएंगे पाई 4 प्लस पाई इक्वल टू 10, आर इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई एक ही बात होगी। तो ये आपने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकालने के बाद देखिए आपने कुछ नहीं किया, केवल एक्स की वैल्यू पुटअप की यहाँ पे और 2 से 2 को कैंसिल किया, फिर डिफ्रेंशिएशन किया है आपने, ठीक है, इसका जितना बचा वो हमारे पास ये रिजल्ट है, फिर इसको लिख देंगे। लेंथ जो है 2r, r की वैल्यू होगी कितना 10 पाई प्लस 4, मतलब लेंथ हो जाएगी 20 बाई पाई प्लस 4 अब x को आपको फाइंड आउट करना है, तो जो इक्वेशन यहाँ पे जो मैंने बनाई थी उसमें आप पुट करके आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ये थी ना आपकी 10 माइनस 4 टू आर माइनस का पाई आर बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 उसको लिख लेना, तो ये जो वैल्यू है पुट आर इज इक्वल टू 10 प्लस पाई प्लस 4, ये पुट करेंगे आप इन इक्वेशन नंबर 1, 1 में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वही फिर आप साथ में ये दिखा देना डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये मैक्सिमम एरिया भी होगा, तो ये आपने पूरा करना है, इसको फर्स्ट में पुट करके सेकंड और डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाना है, यही आपने इसको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन 12, पॉज करना एक बार। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है कोई पॉइंट है जो हाइपोटेन्यूस पे किसी ट्रायंगल के, और इसका जो साइडों से जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है ए और बी, प्रूफ करना है कि इसकी जो मैक्सिमम सो डेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, हमें प्रूफ करना है इसकी हाइपोटेनियस की मिनिमम लेंथ जो है वो ये होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैंने पी पॉइंट कंसिडर किया इसको, ये ए बी और ये है सी, तो इसका साइडों से डिस्टेंस हमें दे रखा है, मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है और ये है बी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो लेंथ है इसकी ए सी, ए सी की जो मिनिमम लेंथ होगी वो ये होगी ए इज इक्वल ए टू द पावर 2/3, बी टू द पावर 2/3 और होल पावर 3/2।
ये मिनिमम लेंथ होगी, इसको हम लिखेंगे एम पॉइंट, ये है एन पॉइंट, ये एम पॉइंट, ये है एन पॉइंट, तो इसको लिख दीजिए कितना, मैं कहूँ कि यहाँ पे ज़रा मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो अब मैं ये कहूँ कि आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से आप फाइंड कीजिए, इस लेंथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर गिवन है, तो यहाँ पे मैं कोसेक थीटा लूँगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ए पी बाई परपेंडिकुलर, तो ए पी की लेंथ आपको मिल जाएगी ए पी इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, ऐसी मैं कहूँ आप बता, आप ऐसी लिखिए इसको कितना, सेक थीटा बेस, ये हाइपोटेन्यूस बाई मतलब पी सी बाई बेस, तो पी सी की वैल्यू निकलेगी आपकी बी सेक थीटा, तो ए पी और पी सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, तो आपने देखा ए पी और पी सी की वैल्यू ये है, तो अब ज़रा आपने यहाँ पे टोटल लेंथ बतानी है, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि भाई हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है हाइपोटेन्यूस पे पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इनकी साइडों से, एक साइड से ए है दूसरी साइड से बी है, आप उल्टा भी कर सकते हो बी और ये ए, तो भी वो आंसर आ जाएगा तो मैं कहूँ टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ L इज इक्वल टू ए पी प्लस पी सी, एल इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो ये टोटल लेंथ ये है, इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन, और हमें ये प्रूव करना है कि ये लेंथ इसके बराबर होगी, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एल बाई डी थीटा करते हैं ज़रा इसको हम, ए कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, बी एज इट इज सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फोर मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमा से ले लीजिए इसको आप, तो डी एल बाई डी थीटा, इट बिकम्स माइनस का ए कोसेक थीटा, तो इसे आप जीरो के बराबर रखेंगे, तो माइनस का ए कोसेक थीटा, नेसेसरी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं आप, इसको जीरो के बराबर रखो, प्लस बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो इट विल बी ए कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो देखिए अब इसे साइन कॉस में चेंज कर लीजिए पूरी इक्वेशन को, वन बाई कॉस थीटा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो साइन साइन सब एक साथ रख लो, तो साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, इट बिकम साइन क्यूब थीटा, कॉस को नीचे कॉस क्यूब थीटा, ए अपॉन बी, बी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन ए बाई बी, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए टू दी होल पावर वन बाई थ्री, पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो टेन थीटा इक्वल टू ए टू दी पावर वन बाई थ्री b टू दी पावर 1 बाई थ्री, ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू होगी, इससे ज़रा एक ट्रायंगल बना लीजिए, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है इसका a टू दी पावर 1 बाई थ्री b टू दी पावर 1 बाई थ्री, अब मैं कहूँ कि आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 2 बाई थ्री b टू दी पावर 2 बाई थ्री, ठीक है, क्योंकि ये देखिए अगर ये है तो आपको हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेन्यूस ये होगा, तो ज़रा आप इसको लिखेंगे और इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देना जो आगे काम आएगी, ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, पहले देखिए यहाँ पे हमने, हमें प्रूफ करना है कि एक पॉइंट है जो हाइपोटेन्यूस पर है जिसका डिस्टेंस
जहाँ से डिस्टेंस हमें गिवन है दो लाइनों का ए और बी, और हमें इसकी मिनिमम लेंथ को बताना है। तो पहले ये लेंथ मैंने निकाली विद द हेल्प ऑफ कोसेक थीटा, फिर ये लेंथ निकाली विद द हेल्प ऑफ सेक थीटा। ठीक है, आप उल्टा भी लिख सकते थे इसको भी इसको ए, तो भी आंसर यही होता, मतलब तो भी ऐसे ही होता क्वेश्चन। तो टोटल लेंथ ए पी प्लस पी सी, तो लेंथ निकाली, लेंथ को डिफ्रेंशिएट किया, नेसेसरी कंडीशन लगाई, जीरो के बराबर रखा, और ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की। तो देखिए ये जो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, दो वैल्यूज़ को निकालना है, क्योंकि देखिए लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है तो कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो है वो होगी हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू होगी। और मैं कहूँ कि सेक थीटा कितना है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो वैल्यू लगा दीजिए जरा आप, एल इज इक्वल टू ए, कोसेक थीटा की वैल्यू है ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3, और ये कोसेक थीटा की वैल्यू है, ऐसी सेक थीटा की वैल्यू लिखिए आप, 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 अपॉन बी टू द पावर 1/3। कॉमन ले लीजिए जरा यहाँ से, ए की पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3, ए अपॉन ए टू द पावर 1/3, बी अपॉन बी टू द पावर 1/3। लेंथ होगी ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3। आप जरा इसको माइनस करोगे, 1 माइनस 1/3, बी 1 माइनस 1/3, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे आपने कोसेक थीटा सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की और यहाँ पुट अप कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो वैल्यू है, इसके बाद देखिए एल इज इक्वल टू ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3, ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3। तो ये फुल और हाफ पावर जो है, देखिए ये फुल पावर है, ये हाफ पावर है, ये हो जाएगी 3/2 पावर, कितना हो जाएगा 3/2 पावर। तो यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। और अगेन डिफरेंशिएशन करके आप बता दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एल स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा पॉजिटिव, जिससे हम कहेंगे कि ये नेगेटिव मतलब लेंथ जो है इसकी मिनिमम लेंथ ए है। तो ये आप लिखेंगे, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। करो,